प्राप्त विगत अनुसार नामदार सुप्रीम कोर्ट ना निर्णय अन्वये नामदार गुजरात हाई कोर्ट तेमज नामदार सेशन कोर्ट सहित कांकरेज तालुका नी नामदार जुडिशियल कोर्ट ना जज पटेल साहेब ना आदेश द्वारा बाळ लग्न करवा एक गुनो बनशे, जेमां सिहोरी कोर्ट माथी बाइक रेली योजाईने कोर्ट परिसर थईने तालुका पंचायत कचेरी खाते थई पोलीस स्टेशन पासेथी कोर्ट मां परत फरी हती। जेमां सौथी अगत्यनी बाबत विशे वात करीए तो 21 वर्षथी नानी उमरे छोकराना लग्न करवा कायदेसर रीते बाल लग्न नो गुनो बन्यो छे, जारे 18 वर्षथी नानी उमरे छोकरीना लग्न करवा ए पण गुनो बन्यो छे। त्यारे अगाउ पण अनेक आवा लोको उपर बाल लग्न करवाना केसो नोंधाया छे। त्यारे नामदार सुप्रीम कोर्ट एक नवी पेढ़ी माटे काळजी राखीने योग्य समये ज लग्न करवा ए माटे बाल लग्न करावामां सहभागी के हिस्सेदार कोई पण बे व्यक्तिने 2 वर्ष सुधीनी जेल अने ₹1,00,000 सुधीनो दंड थई शके छे। त्यारे हवे यूथ एंगेजमेंट एंड अवेरनेस ऑन चाइल्ड मैरेज ए जॉइंट इंस्टिट्यूटिव ऑफ गुजरात स्टेट लीगल सर्विस ऑथोरिटी एंड कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन्स फाउंडेशन अने एप्लमेंटन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिला कानूनी सेवा सत्तामंडल पालनपुर न्याय संकुल बिल्डिंग बोयरामा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पासे जोरावर पैलेस पालनपुर खाते आवेल ऑफिस पर आवा बनाव अंगे जानकारी आपी शकाशे, जेमां कांग्रेस तालुका बार एसोसिएशन ना धारासास्त्रीओ खास करीने उपस्थित रह्या हता। त्यारे पोलीस द्वारा चुस्त बंदोबस्त साथे रेली योजीने लोकोमां जागृति लावा माटे अभियान हाथ धरायुं हतुं, जेमां खास करीने सिहोरी जुडिशियल कोर्टना कर्मचारीओ द्वारा खास करीने आ झूंबेश अंतर्गत जागृति माटे प्रयास कर्या हता। नालसा अने स्टेट लीगल ऑथोरिटी गुजरात हाईकोर्ट अमदावाद अने बनासकांठा जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल प्रेरित तालुका कानूनी सेवा सत्ता मंडल कांकरेज तालुकाना सिहोरी कोर्टना तरफथी जे लीगल एवरनेस लोकोमां आवे एना माटेनो कार्यक्रम अहींया आजे एक रेली स्वरूपे राखवामां आव्यो हतो, जेमां अहींया कांकरेज तालुकाना बार एसोसिएशनना तमाम सदस्यों तेमज आवेला पक्षकारों अने स्टाफे साथे रही अने एक रेलीनो कार्यक्रम करेलो, जे अमारा अत्रेना कोर्टना श्री सचिव तालुका कानूनी सेवा सत्तामंडल सचिव श्री चेरमेन श्री पीबी पटेल साहेबना मार्गदर्शन नीचे आ रेलीनो कार्यक्रम एवरनेस लीगल एवरनेस माटेनो करवामां आवेल छे। रामजी रायगोर साथे लाइव 24 न्यूज बनासकांठा।